नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। देश की सियासत में अहम मुकाम रखने वाले सैफई कुनबे के मुखिया मुलायम सिंह यादव पहलवानी के बड़े शौकीन थे। भले ही मुलायम सिंह यादव का कद कम था, लेकिन कुश्ती के अखाड़े में वो बड़े बड़े कद्दावर पहलवानों को चित कर दिया करते थे। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का चरखा दांव एक था, वो लंबे तगड़े विरोधियों के भी दांत खट्टे कर देता है। बाद में भले ही कुश्ती का अखाड़ा उनसे छूट गया हो, लेकिन सियासत के अखाड़े में एक से एक ताकतवर रसूखदार धुर विरोधियों को उन्होंने चरखा दांव से पछाड़ दिया, मात दे दी। बताते हैं कि सैफई के नजदीक करहल में हुए कुश्ती के एक मुकाबले में जीत पाने वाले मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर गई जसवंत नगर के तत्कालीन विधायक नत्थू सिंह यादव की, जिन्हें इस छोटे कद के खिलाड़ी में बड़ी संभावनाएं नजर आईं। उनके सहयोग से मुलायम सिंह यादव संयुक्त समाजवादी पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय हो गए और यहां से उनकी सक्रियता सार्वजनिक जीवन में बढ़ने लगी। आगरा से एमए की डिग्री हासिल करने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कुछ वक्त के लिए अध्यापन का काम भी किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनकी मंजिल तो है चुनौतियों से भरी सियासत की कड़ी डगर। मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प वाक्यों का जिक्र करेंगे तो एक दास्तां आएगी डाकुओं से मुकाबले की। यूपी की विधान परिषद के पूर्व सभापति चौधरी सुखराम सिंह यादव ने जिक्र किया था कि जालौन की माधोगढ़ सीट पर एक दौर में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, जिसमें सुखराम के पिता चौधरी हरमोहन सिंह चुनावी मैदान में थे। उनके मुलायम सिंह यादव से बेहतर रिश्ते थे और इसी वजह से मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे। उन दिनों रात रात भर गांव गांव जाकर चुनाव प्रचार हुआ करता था। सारे लोग एक गांव से दूसरे गांव का दौरा कर रहे थे। जैसे ही कुठवन नाम के एक गांव के पास पहुंचे, वहां पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। तुरंत नेताजी भाग गए। उन्होंने लोगों से कहा कि जीप को गांव की ओर ले चलो, वहां पर डकैती पड़ रही है। वहां पर गांव के दूसरे लोगों को भी जगाया गया। सारे लोग उस गांव के पास पहुंचे जहां पर डकैत मौजूद थे। नेताजी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डकैतों को ललकारा तो डकैतों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। ग्रामीण पहले तो डरे, लेकिन मुलायम सिंह यादव बेखौफ होकर वहां पर डटे रहे। इससे ग्रामीणों का मनोबल बढ़ा और वो डकैतों पर भारी पड़े। आखिरकार डकैतों को भागना पड़ा और नेताजी के डटकर खड़े होने का ही नतीजा था कि गांव के कई परिवारों के जानमाल की हिफाजत हो सकी। वक्त बीतने के साथ मुलायम सिंह यादव की पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर हो रही थी कि जो जिलेवार ना सिर्फ कार्यकर्ताओं के चेहरों को पहचानता है, बल्कि नाम से भी उन्हें याद रखता है। मुलायम की छवि बाद में इसी बात को लेकर कायम हो गई कि वह अपने खेमे के लोगों के लिए तो हर हाल में मुस्तैदी से खड़े रहते हैं, लेकिन साथ ही विरोधी खेमे से भी अगर कोई उनसे मदद मांगता है तो उसका भी भरपूर सहयोग करते हैं। ये मुलायम सिंह यादव की सर्वस्पर्शी राजनीति का ही नतीजा रहा कि उनके अंतिम संस्कार में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम तो उमड़ा ही, साथ ही बीजेपी सहित तमाम दूसरी विचारधाराओं और दलों के नेता भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। सियासी जगत के इस अजय पुरोधा को पीटीसी न्यूज की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। मुलायम सिंह यादव के सियासी सफरनामे के और भी किस्सों के लिए, उनसे वाबस्ता होने के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज़ यूपी के साथ। नमस्कार।